YouTube में सब्सक्राइब करें विराट तिवारी चैनल को। ओ मेरा यार हंस रहा है बारिश की जय अब क्या कर फोना मैं लाख भाई सकारे से जो सकारे जो लुटिया लेके निकल जाए तो संतुष्टि से बैठे नहीं दे। हाँ फूफा जी हम गुड्डू बोल रहे हैं। तुम लोग जो है टाइम को टाइम फोन लगाते हैं बतावा। अब मैं जो है सकारे यहाँ सोच के लिए आया हूँ लोटिया लेके और तुम सकारे से मेरे को फोन बजा रहे हो। कोई समय होता है फोन लगाने का? वाह फूफा वाह अच्छा अरझाया है वह बिटिया के चक्कर में जैसे काज लगवाया थे। मैं हफ्ता दो हफ्ता से उसको फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे लगाता हूँ तो उसका फोन हमेशा बिजी आता है। अब चाहे वो ब्लैक लिस्ट में नंबर हमारा गांस दिस और चाहे वो कोनो दूसर से सेट हो गया हो। भारी तकलीफ में हूँ फूफा जी भारी परेशान हूँ। अच्छा अरझा दिए हैं आप। अब बिटिया तो बड़ी मासूम रही ओखा बाप बताइस की एकदम गऊ है गऊ। अरे फूफा ठीक है गऊ तो ठीक है गऊ रही हुई पर लग रहा है कि ओखे पीछे कई सारे बैला पड़े रहे हैं। फोन मेरा नहीं उचा रही है आप कुछ समाधान निकालिए। इसीलिए मैं तुमको समझा रहा था कि तुम लॉकडाउन में काज करा लो 20 घराती हो जाते 20 बराती हो जाते तो इस समस्या का समाधान उसी समय निकल आता। पर तुम हो गया तुमको तो डीजे बजवाना था पौवा पिलवाना था अब अरझे रहो। एक दिन ये मेरे को फ़ोन लगाई और बोली कि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है तो आप सतना आ जाओ मैं भी सतना आ जाती हूँ तो वहीं मिलते हैं। अच्छा फेंका भा फेंका हुई 21,936 रुपया के हमसे मोबाइल खरीदवाइस ओप्पो का जैसे वो ऊपर से कैमरा निकल के बाहर आ जाते। वो मोबाइल इतना महंगा मोबाइल खरीदवाइस और कहीं की वीडियो कॉलिंग करेंगे आज तक वीडियो कॉलिंग ओखर नहीं आबा। अब जैसे वीडियो कॉलिंग वो करत हो पता है चूंटिया चल दिए हुई मोबाइल खरीदाए काज हो जा देते उसके बाद मोबाइल वही गिपट करते। पहले तो मोबाइल खरीद दिए 599 वाले रिचार्ज करवावत रही हर 3 महीना में जियो की बहु खर्चा करवाई थी हमारी हम बताए गई थी तो ओके बाप से कहा कि हमारा पैसा लौटावे बा नहीं हम तुम्हू का अरझाए दे फूफा जी और वही तो अरझाऊबे कर अब हम साले उतार ले पनई 20 पनई मारा हम ठीक है। हाँ साले हम बोले रहन की नंबर मांगो से हम बोले रहन की उसे बात कर शादी से पहले उसे मिले जा है 21,000 के मोबाइल दे हुई हमसे पूछे रहे कुछ हम काज भर न लगवाए न हम यह तो नहीं कह रहे इनके तो ही गिफ्ट बांट दे। साले तुम लोग आज कार के लड़का दिखैया आवत है और दिखैया जाते तुम बिटिया के नंबर मांग लेता है अब बिटिया लड़कन के नंबर मांग लेती फिर जब कुछ पंचायत खड़ी हुई तो फिर फूफा जी का मुड़े आइया। हाँ तो ओके बाप का बता दिया कि हमें 1-1 रुपया वापिस चाहिए ठीक है। हाँ मोबाइल 21,000 के लिए सी एक दिन कहीं कि मेरे पास पायल नहीं है बिछिया नहीं है तो फिर वह हमें खरीदवाई सपना माय के अब 599 की रिचार्ज वाला करवावत रही और दूसरे झुमकी खरीदी से सोने की 50-60 हज़ार रुपया के मैं चूना लगा के गई हुआ। अब हम नहीं जाने कि कैसे का बात करे थी का नहीं करे तो ओके बाप का बतावा कि हमारा पैसा पूरा 1-1 थे पाई लौटावे और वही यहो बता दिया कि वह जाऊँ अपने महतारी के मोबाइलों में रिचार्ज करवावत रही 49 वाला तो हर महीना जब 49 के रिचार्ज करवावत रही वह हमें पूरा पैसा चाहिए। तय आहे सारे दतनी पुआर तोरे बुद्धि तो है नहीं और वही यहो बता दिया कि वो जब हमसे सतना मिलाई आवत रही अपने बहनिन का लाइके वो चुन्नी बहनिन का वो जीजू बोल के हमें जूजू बना दी और जीजू बोला जाए 30-30 रुपया के फुलकी चाटत रही चौपाटी में 1-1 पाई का हिसाब चाहिए फूफा हमें बता दिया हमें पूरा पैसा वापस चाहिए। और हाँ वह लिस्ट में पेट्रोलों का पैसा जोड़ दिया 110 रुपया के जब हम तेल डरवावत रहन है या छोर से वह छोर ले जाइए या बाजार व बाजार दुनियादारी जब घुमावत रहन है 1-1 पैसा हमें चाहिए बता दिया ओके बाप से। साला अच्छा रच गए यार काज लगवा के सोचें कि बढ़िया ठंडी हवा में जाप सोच के लाने तो बढ़िया ठंडी हवा लाब आनंद लाब सास सकारे मूड खराब कर दीस। इन सारे आज काल के लड़का काज लगता है सारे मोबाइल बता लेते लड़का बिटिया एक दूसरे के नंबर ले लेते अब पूरी रात पूरा दिन बात करा थे अब फिर लास्ट में रोना रोई है बाहर आज काल के लड़का। अन्ना लड़का हो तुम बचते में नहीं कर रहा कि दिखाइया सुनैया आमा फिर नंबर तुम ले बात करें लागा थे मुड़े आ जा मौसिया के फूफा के मामा के जो काज लगवा मैं बाहर आज काल के लड़का बिटिया